मोनी रॉय भारतीय टेलीविजन दुनिया की एक बहुत ही मशहूर एक्ट्रेस है। उन्हें हम बहुत सारे सीरियल में एक्टिंग करते हुए देख चुके हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ऑडियंस का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया है। लोग उनके एक्टिंग की काफ़ी तारीफ करते हैं। उनका सबसे पॉपुलर रोल एकता कपूर के सीरियल नागिन में था, जिसमें उन्होंने शिवान्या का किरदार निभाया था। इस सीरियल में काम करने के बाद इनको बहुत ही नेम और फेम मिला। मोनी सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव रहती है, ना सिर्फ टीवी सीरियल तक ही बल्कि इन्होंने अपनी पॉपुलैरिटी बॉलीवुड तक बना ली है। आज की इस वीडियो में आपको बताते हैं कि कैसे शुरू हुआ मोनी का एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का दिलचस्प सफर और उन्हें किन किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा। मोनी रॉय का जन्म 28 दिसंबर 1985 को पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार में हुआ था। साल 2022 के अनुसार मोनी 37 इयर्स की हो चुकी है। मोनी के पिता का नाम अनिल रॉय और मां का नाम मुक्ति रॉय है। उनके पिता अनिल रॉय कुछ बिहार जिला परिषद में कार्यरत थे। मोनी एक फिल्मी बैकग्राउंड से ताल्लुकात रखती है। उनकी माँ एक थिएटर कलाकार थी और उनके दादाजी शेखर चंद्र रॉय एक प्रसिद्ध थिएटर कलाकार थे। उनका एक छोटा भाई भी है जिनका नाम मुखर रॉय है। मोनी अपने पिता को ही अपने लाइफ का आदर्श मानती है। मोनी रॉय एक अच्छी कथक और बैलरीना डांसर है। वह साल 2014 में झलक दिखलाजा की फाइनलिस्ट भी थी। वहीं अगर बात करें मोनी रॉय की एजुकेशन की, तो मोनी ने अपनी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय कुछ बिहार वेस्ट बंगाल से पूरी की और उसके बाद मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से पूरी की। हालांकि मोनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़कर एक्टिंग और फिल्मी दुनिया में अपनी किस्मत आजमाने के लिए मुंबई पहुंच गई। वहीं अगर रुक करें मोनी रॉय के पर्सनल लाइफ और अफेयर्स की, तो मोनी रॉय मैरिड है। मोनी काफ़ी लंबे टाइम से बिजनेसमैन सूरज नाबियार को डेट करने के बाद 27 जनवरी 2022 को गोवा में शादी कर ली। वहीं अगर बात करें मोनी रॉय के करियर की, तो वो बचपन से ही एक्टिंग में काफ़ी इंटरेस्टेड थी और वो अपने स्कूल और कॉलेज में होने वाले हर प्रोग्राम में भाग लिया करती थी। साल 2007 में मोनी रॉय ने सीरियल कभी सास भी बहू थी के लिए ऑडिशन दिया और उनको सिलेक्ट भी कर लिया गया। इसी कारण मोनी रॉय अपनी पढ़ाई अधूरी छोड़कर मुंबई चली गई अपने सपनों को पूरा करने। सीरियल क्योंकि सास भी कभी बहू थी में मोनी रॉय ने तुलसी की बेटी कृष्ण तुलसी का किरदार निभाया था। साल 2008 में मोनी कहो ना प्यार है रियलिटी शो का हिस्सा रही और इसी साल उन्होंने स्टार प्लस के सीरियल कस्तूरी में काम किया। मोनी रॉय को असली पहचान मिली लाइफ ओके के सीरियल देवों के देव महादेव से, जिसमें उन्होंने शती की भूमिका निभाई थी और लोगों को खूब पसंद भी आई थी। साल 2012 में मोनी रॉय ने सीरियल जुनून में काम किया और फिर उन्होंने एकता कपूर के सीरियल नागिन में शिवान्या का लीड रोल निभाया, जिसको लोगों ने खूब पसंद किया। इस सीरियल को लोगों ने इतना पसंद किया कि सीरियल के खत्म होने के बाद भी एकता कपूर को इस सीरियल का पार्ट टू बनाना पड़ा। और इस सीरियल में काम करने के बाद मोनी रॉय को एक अलग ही पहचान मिली। साल 2015 में मोनी रॉय ने एकता कपूर के टीवी सीरियल नागिन के साथ टेलीविजन पर वापसी की, जिसमें अर्जुन विजलानी और अदा खान के साथ शिवान्या की भूमिका निभाई थी। इसी साल इन्होंने एक डांस शो को भी होस्ट किया जो था सो यू थिंक यू कैन डांस। मोनी ने अपने 11 साल के करियर में कई उतार चढ़ाव देखे, लेकिन वह संघर्ष और मेहनत करती रही और सफलता को छूती गई। और आज मोनी टीवी की दुनिया की सबसे पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक है। उनकी पहचान सिर्फ टेलीविजन तक ही सीमित नहीं रही, अब वो कई फिल्मों में भी नजर आ रही है। साल 2018 में मोनी रॉय ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत रीमा कागती द्वारा डायरेक्ट की गई बॉलीवुड फिल्म गोल्ड से की। इस फिल्म में वह अक्षय कुमार के साथ काम की थी। मोनी का बंगाली परिवार से ताल्लुकात होने के कारण उन्हें फिल्म गोल्ड में एक बंगाली वाइफ का किरदार निभाने का मौका मिला था और इस किरदार को उन्होंने बखूबी बहुत अच्छा निभाया और लोगों ने इनकी खूब तारीफ की। साल 2019 में इन्होंने बॉलीवुड एक्टर जॉन अब्राहम और जैकी श्रॉफ के साथ रोमियो अकबर वाल्टर नाम की फिल्म में काम किया। रोमियो अकबर वाल्टर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरीके से फ्लॉप साबित हुआ, लेकिन ऑडियंस ने मोनी रॉय की एक्टिंग को खूब पसंद किया। फिलहाल मोनी रॉय अपने अपकमिंग फिल्म ब्रह्मास्त्र पर काम कर रही है, जो 9 सितंबर 2022 में रिलीज होने वाली है। अब मैं आपको मोनी रॉय के बारे में कुछ अननोन और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताने वाली हूँ, जो शायद ही आपको पहले से पता हो। नंबर 1,
मोनी रॉय कभी फिल्म इंडस्ट्री में आना ही नहीं चाहती थी। दरअसल मोनी एक जर्नलिस्ट बनना चाहती थी। एक इंटरव्यू के दौरान मोनी ने बताया था कि मेरे पेरेंट्स मुझे एक जर्नलिस्ट बनते देखना चाहते थे। नंबर टू, मोनी का यहाँ तक का सफ़र काफ़ी मुश्किलों से भरा था। मोनी के मुताबिक उन्हें बहुत सारे रिजेक्शन का सामना भी करना पड़ा था। करियर की शुरुआत में उन्होंने एक डांसर के तौर पर भी काम किया। मेहनत और लगन से ही आज मोनी रॉय एक सेल्फ मेड स्टार का दर्जा हासिल कर सकती है। नंबर थ्री, मोनी रॉय को ट्रैवलिंग काफ़ी पसंद है और उन्हें जब भी मौका मिलता है वो न्यू डेस्टिनेशन के लिए निकल जाती है। नंबर फोर, टीवी एक्टर गौरव चोपड़ा के साथ मोनी रिलेशनशिप में थी। इन दोनों ने एक टीवी सीरियल पति पत्नी और वो में साथ काम किया था। इनका रिलेशनशिप 2008 से 2012 तक रहा, लेकिन बाद में उन दोनों का ब्रेकअप हो गया। नंबर फाइव, इतने सारे पॉपुलर सीरियल और फिल्म्स में काम कर चुकी मोनी रॉय कई सारे अवार्ड्स को भी अपने नाम कर चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।